प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गुरुवार को 57 मंत्रियों द्वारा शपथ ली गई थी। इनमें से 36 पुराने मंत्री हैं जिन्हें मोदी जी ने दोबारा मौका दिया है। जी हाँ, 36 मंत्री ऐसे हैं जिनका काम मोदी जी को बहुत पसंद आया और उन्हें फिर से मंत्रिमंडल में जगह दे दी गई है। 21 नए चेहरे ऐसे हैं जो मोदी जी की पसंद बने हैं और उन्हें मंत्री बनाया गया है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल की अगर बात करें तो कुल 76 मंत्री थे, उनमें से 36 मंत्रियों को मोदी जी ने डबल से मौका दिया है। और जिन्हें मौका नहीं मिला है, ऐसे नाम बेहद चर्चित हैं और इन नामों में हैं सुषमा स्वराज, सुरेश प्रभु, जेपी नड्डा, मेनका गांधी, उमा भारती, सत्यपाल सिंह, महेश शर्मा, राज्यवर्धन सिंह राठौर, जयंत सिन्हा आदि। इस बार जिन 36 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली उनके बारे में यह बताया जा रहा है कि उनमें से 4 ने तो खराब स्वास्थ्य के कारण चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया था और 5 को चुनाव हारने के कारण, करीब 15 को इसलिए मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई कि उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया गया था, और 7 को पार्टी में नई जिम्मेदारी देने के हिसाब से अभी मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है, और 4 के बारे में यह बताया जा रहा है कि उन्हें आगे जगह मिल सकती है। उचित पद नहीं मिलने से अनुप्रिया पटेल ने मना कर दिया है। वे कैबिनेट मंत्री का पद चाहती थी जबकि उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। कुल मिलाकर सुषमा स्वराज के बारे में बताया जाता है कि वे खराब स्वास्थ्य के कारण सक्रिय नहीं हैं, और राज्यवर्धन सिंह राठौर के बारे में भी कहा जा रहा है कि उन्हें राजस्थान में नई जिम्मेदारी दी जाएगी। इसी तरह से मेनका गांधी को लोकसभा की अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। जेपी नड्डा के लिए कहा जा रहा है कि वे भारतीय जनता पार्टी के संभावित अध्यक्ष हो सकते हैं, और राधा मोहन सिंह किसानों पर विवादों के चलते उनका पत्ता काटा गया है। अनुप्रिया पटेल ऐसी महिला हैं जो अपना दल की हैं और उन्हें मोदी जी के मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री बनाने से वे नाराज हैं। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.